ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पास मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी विभाग ने एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा, जिसमें अंदर बड़ी मात्रा में अल्कोहलिक ड्रिंक होने की सूचना थी। ट्रक को पकड़ने पर उसके अंदर एक महंगे बियर बनाने वाली कंपनी के नाम से नॉन अल्कोहलिक एनर्जी ड्रिंक मिली, जिस पर आबकारी ने संदेह जताते हुए ट्रक ड्राइवर के माध्यम से गोडाउन पर भी छापा मारा। वहां पर भी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की एनर्जी ड्रिंक मिली, जिस पर से विभाग ने एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच की, जिसमें वह नॉन अल्कोहलिक पाई गई। आपको बता दें कि रात करीब 2 बजे तक विभाग एनर्जी ड्रिंक पर संदेह जांच में जुटा रहा, जिस पर टेस्टिंग किट के माध्यम से मिले परिणाम पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई को खत्म किया गया। हालांकि आबकारी विभाग एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को नोटिस भेजने की तैयारी में है, क्योंकि उसके द्वारा बियर बनाने वाली फेमस कंपनी के नाम से इसका उत्पादन किया जा रहा है। वहीं एनर्जी ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर शिवराज गुप्ता द्वारा FSSAI के प्रमाण पत्र वाले सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। गौरतलब है कि एनर्जी ड्रिंक से भरा यह ट्रक बिहार के हाजीपुर भेजा जा रहा था, जिसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था कि वह शॉर्ट एक्सपायरी का माल है, जिसके चलते उसे वापस कंपनी भेजा जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग कंपनी पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद कॉपीराइट एक्ट की कार्रवाई की तैयारी में है। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना के आधार पर RS क्रम के जो निर्माणाधीन पुल है उसके नीचे एक ट्रक खड़ा पाया गया, जिसका जो क्रमांक है वो UP 77P 9427 है, जिसमें बुडवाइजर नॉन अल्कोहलिक बोतल की जो है 450 पेटियां पाई गई। और उसके ड्राइवर द्वारा बताया गया कि इसके जो वितरक हैं वो मिस्टर शिवराज गुप्ता हैं, जो RS क्रम में उनका गोदाम है। फिर हम लोग जो है उस गोदाम पर आए और शिवराज गुप्ता से मिले, उन्होंने उससे संबंधित हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया मैं ग्वालियर ज़िले का इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये माल जो मेरा जो है लॉकडाउन के तहत एक्सपायर हो गया और मैं कंपनी को हाजीपुर बिहार के लिए वापस करने जा रहा हूँ। तत्पश्चात हम लोगों ने उससे संबंधित कागजात मांगे, तो उन्होंने जो है एक लेब है, उसका नाम है जी मेरिक्स न्यूट्री साइंस लैब, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये जो पदार्थ जो पाया गया वो बुडवाइजर नॉन अल्कोहलिक पाया गया है, और इस प्रकार नॉन अल्कोहलिक पर आबकारी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती है, अतः इनको स्वतंत्र किया जाता है। ये वितरित करना चाहे वितरित करते हैं, और चाहे एक्सपायरी होने के पश्चात ये चाहे तो अपने कंपनी के वेयर हाउस में पहुँचा सकते हैं।